हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2022 मारुति सुजुकी ब्रेजा। ब्रेजा 2022 के अंदर आपको मेनली फोर वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं, जो कि है LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए डिटेल्ड कंपैरिजन लेके आया हूँ कि आपको यहाँ पे क्या क्या फीचर्स किस किस वेरियंट के अंदर ऑफर किए जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो ये हमारा व्हाइट कलर के अंदर LXi वेरिएंट, जिसका कि एक्सशोरूम प्राइस है 7.99 लाख रुपीज़। फिर आता है ग्रे कलर के अंदर VXi वेरिएंट, इसका एक्सशोरूम प्राइस है 9,46,000 रुपीज़। फिर आता है रेड कलर के अंदर ZXi वेरिएंट, और इसका एक्सशोरूम प्राइस है 11,02,000 रुपीज़, क्योंकि ये ड्यूल टोन वेरिएंट है। बाकी वैसे आप ZXi वेरिएंट अगर लेंगे तो उसके लिए आपको 10,87,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और लास्ट में आता है हमारा ZXi प्लस वेरिएंट, और इसका एक्सशोरूम प्राइस है 12,30,000 रुपीज। और साथ ही साथ आप यहाँ पे चारों बढ़िया कलर्स भी इस कार के देख सकते हैं एंड कंपेयर कर सकते हैं और चूज भी कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कलर सबसे ज्यादा बढ़िया है। और इंजन की अगर बात करें तो चारों वेरिएंट्स के अंदर आपको बिल्कुल सेम इंजन ऑफर किया जाता है। तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस इन चारों कार्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। पर जो VXi वेरिएंट है उसके एंड उसके ऊपर वाले वेरिएंट्स के अंदर आपको यहाँ पे 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसका की प्राइस अराउंड 1.5 लाख रुपीस ज्यादा पड़ जाएगा मैनुअल वेरिएंट के कंपैरिजन में। ये चारों अभी आप मैनुअल देख रहे हैं। चलिए अब इनका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले बढ़ते हम LXi वेरिएंट की तरफ। तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे LXi वेरिएंट का फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको इसमें सेंटर में मिल जाता है सुजुकी का लोगो, एंड नीचे वाला ये वाला आप जो क्रोम पार्ट देख रहे हैं ये एक्सेसरीज का पार्ट है। ये आप किसी भी वेरिएंट के अंदर चारों में से लगवा सकते हैं। बाकी जो LXi वेरिएंट का फ्रंट है और जो VXi वेरिएंट का फ्रंट है, इन दोनों के अंदर आपके यहाँ पे फ्रंट पे कोई भी डिफरेंस वैसे देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही बिल्कुल सेम आपके यहाँ पे कार मिल जाती हैं। बाकी अब ZXi और VXi की बात करें तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे दोनों का फ्रंट लुक मिल जाता है। यहाँ पे आपको काफी सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, मेजरली हेडलैम्प सेक्शन के अंदर। यहाँ पे VXi वेरिएंट के अंदर आपको हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स ऑफर किए जा रहे हैं, वेरा आपको यहाँ ZXi वेरिएंट के अंदर फुल LED प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जो कि आते हैं LED साइड टर्न इंडिकेटर और LED DRLs के साथ। बाकी फॉगलाइट्स आपको यहाँ इन दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर नहीं मिलने वाले हैं। सिल्वर कलर की स्किड प्लेट आपको यहाँ ZXi में मिल जाएगी, VXi में वो मिसिंग है। एंड कुछ ऐसा आपको यहाँ पे दोनों का कंप्लीट लुक मिल जाता है। ZXi और ZXi प्लस की बात करें तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे दोनों का कंप्लीट लुक मिलता है फ्रंट से। यहाँ पे जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। फॉगलाइट का आपको एक पहला डिफरेंस यहाँ देखने को मिलेगा, और फिर दूसरा डिफरेंस आपको यहाँ पर इसके कैमरा का मिल जाएगा, जो कि यहाँ आपको ZXi प्लस वेरिएंट के अंदर मिल रहा है फ्रंट पार्किंग कैमरा। ZXi वेरिएंट के अंदर ये आपको ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी ओवरऑल आप यहाँ पे चारों का फ्रंट लुक देख ही चुके हो। बाकी अगर बात करते हैं रूफ की, तो यहाँ पर आपको LXi वेरिएंट के अंदर कुछ इस तरह की रूफ मिल जाती है, बिल्कुल प्लेन दी के पीछे आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है। VXi वेरिएंट के अंदर भी आपको प्लेन रूफ मिलती है, शार्क फिन एंटीना पीछे मिल जाता है। ZXi के अंदर आपके यहाँ पे सनरूफ भी मिल जाती है, साथ ही साथ रूफ रेल्स भी मिल जाती है। सनरूफ आप यहाँ पर इसकी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की आपके यहाँ सनरूफ इस कार में मिलती है। और ZXi प्लस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको सेम ZXi वेरिएंट की तरह ही रूफ दी जाती है। यहाँ पर मैंने सनरूफ ओपन की हुई है, यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर लिफ्ट की हुई है, तो ये भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। बाकी अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी कार के लिए एक बहुत ही बढ़िया कार परफ्यूम के बारे में, जो कि है इन्वॉल्व वन का मस्त का परफ्यूम। इसके अगर फ्रेग्रेंस की बात करें तो ये परफ्यूम आपको एक बहुत ही मस्त सी फ्रेग्रेंस ऑफर करता है, जो कि आपको एक बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग एहसास दिला देगी कार के अंदर बैठते ही। तो जरूर से जाकर इसे बाय करें, लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये परफ्यूम इजीली अराउंड 45-60 days तक लास्ट भी कर जाता है। और अब बात कर लेते हैं कार के रियर लुक की। तो चारों का लुक आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है। कलर आपको कौन सा अच्छा लग रहा है वो आप मेरे को नीचे बता सकते हैं। मेरे को पर्सनली ZXi प्लस वेरिएंट का सिल्वर कलर जो है वो सबसे ज्यादा बढ़िया इनमें से लग रहा है, फिर रेड, फिर व्हाइट, फिर ग्रे। बाकी चारों का बैक प्रोफाइल का लुक आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। LXi वेरिएंट से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको इसमें कुछ इस तरह का कंप्लीट बैक प्रोफाइल का लुक देखने को मिलेगा। सेंटर में आपको ब्रेजा की बैचिंग मिल जाती है। एंड इसे अगर हम कंपेयर करते हैं VXi वेरिएंट से, तो VXi वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पे रियर डिफॉगर इसमें मिल जाएगा, जो कि LXi वेरिएंट के अंदर मिसिंग है। बाकी ओवरऑल दोनों ही कार्स आपको सेम ही लगने वाली हैं बैक प्रोफाइल से। और उसके बाद अगर बात करते हैं VXi और ZXi वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको मेजर डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको ZXi वेरिएंट के अंदर स्किड प्लेट पहले देखने को मिल जाएगी, साथ ही रियर वाइपर आपको यहाँ पर इस कार में दिया जा रहा है, जो कि VXi वेरिएंट के अंदर मिसिंग है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इसमें मिल रहा है। और अगर बात करते हैं ZXi और ZXi प्लस के अंदर डिफरेंसेस की, तो यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस बैक प्रोफाइल में इन कार्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं इन चारों के बूट के अंदर डिफरेंस की। तो सबसे पहले बढ़ते हैं LXi वेरिएंट की तरफ। तो यहाँ पर आपको इसमें कोई भी पार्सल ट्रे देखने को नहीं मिलेगी, साथ ही आपको कोई भी बूटलेट वगैरह भी इसमें नहीं मिलती है। ये इसके व्हील कवर पड़े हैं, बाकी ओवरऑल स्पेस चारों के अंदर ही आपको सेम मिलेगा।
VXI की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम ही आपको यहाँ पे बूट दिया गया जैसे कि आपको LXI वेरिएंट के अंदर दिया गया। अब बढ़ते हैं ZXI की तरफ, तो यहाँ पर आपको इस पर पार्सल ट्रे मिल जाएगी। रियर सीट्स आप यहाँ पे 60-40 स्प्लिट वे में फोल्ड कर सकते हैं, वेयर एज LXI और VXI के अंदर आपको पूरी 100% फोल्ड करने का ऑप्शन इनका मिलता था। और बूटलाइट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ZXI वेरिएंट ऑनवर्ड्स बूटलाइट मिलनी शुरू हो जाती है। और अगर बात करते हैं ZXI प्लस की तो यहाँ पर आपको ZXI की तरह ही बिल्कुल सेम बूट इसमें दिया गया है। स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे चारों के अंदर ही बिल्कुल सेम साइज का मिलता है 16 इंचेस का ही, एंड टूल किट की प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पे चारों के अंदर ही बिल्कुल सेम जगह पर मिल जाती है। बाकी अब बात कर लेते हैं चारों कार्स के साइड प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे LXI वेरिएंट से, तो ये व्हाइट कलर में जैसे कि आपको पता है LXI वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको इस पे देखने को मिल जाता है 16 इंचेस के स्टील व्हील्स। पुल व्हील कवर का ऑप्शन आपको यहाँ पे बेस वेरिएंट के अंदर भी मिल जाता है। टायर प्रोफाइल आपको मिलती है 215/60R16, एंड चारों वेरिएंट्स के अंदर आपको सेम टायर प्रोफाइल ऑफर की जाती है। एंड ओवर रिम्स के ऊपर आपको यहाँ पर इसका साइड टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, बट इस कार के अंदर आप यहाँ पे ओवर रिम्स को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, बट फोल्डिंग ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, इन्हें आपको यहाँ पे मैन्युअली फोल्ड करना पड़ेगा। बाकी ये सभी पार्ट्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक्सेसरीज का पार्ट है। डोर हैंडल आपको यहाँ बॉडी कलर दिएगा, बट कोई भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर इस वेरियंट के अंदर नहीं मिलेगा। क्रोम लाइनिंग एंड ये वाला पार्ट भी इसका एक्सेसरीज में आप चारों वेरियंट्स के अंदर ही लगवा सकते हैं। बाकी ओवरऑल लुक कार का साइड से कुछ ऐसे। VXI की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही आपको यहाँ LXI की तरह ही साइड प्रोफाइल इस कार की देखने को मिलेगी, कोई भी मेजर डिफरेंस आपको यहाँ नहीं मिलेगा। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है वो इसके ओवर वीएम का, इन्हें आप यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड दोनों ही कर सकते हैं। और इसके बाद अगर बात करते हैं ZXI वेरिएंट की तो यहाँ पर आपको इस पे देखने को मिल जाएंगे 16 इंचेस के ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर अलॉय व्हील्स, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। एंड इस वेरिएंट से आपको यहाँ पे ड्यूल टोन का ऑप्शन मिलना शुरू हो जाता है, जो कि आपको LXI और VXI वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिशनल 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर कि आप यहाँ पे ब्लैक रूफ या व्हाइट रूफ का ऑप्शन ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कलर यू चूज। बाकी अगर बात करते हैं ZXI प्लस वेरिएंट की तो ZXI प्लस वेरिएंट के अंदर आपको मिल जाते हैं 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स। आपको यहाँ ZXI में मिल रहे हैं ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर अलॉय व्हील्स, ZXI प्लस के अंदर आपको मिल रहे हैं डायमंड कट अलॉय व्हील्स। एंड यहाँ पे साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पे और कोई भी मेजर डिफरेंस इनमें देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पर आपको इसमें ओवर वीएम के नीचे एक कैमरा जरूर से मिल जाता है 360 व्यू के लिए, और साथ ही आपको यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर भी इसके ऊपर दिया गया कीलेस एंट्री के लिए। और ZXI वेरिएंट के अंदर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, जो कि VXI और LXI वेरिएंट के अंदर मिसिंग है। आपको VXI और LXI वेरिएंट के अंदर बिल्कुल नॉर्मल टाइप की कुछ इस तरह की कीज ऑफर की जाती है, वेयर एज ZXI और ZXI प्लस वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह की कीज स्मार्ट कीज मिल जाएंगी। तो कीलेस एंट्री वाला अगर आपको फीचर चाहिए तो आप ZXI और ZXI प्लस के लिए जा सकते हैं, बाकी नॉर्मल की आपके यहाँ इन दो के अंदर मिल जाती है। बाकी अब बात कर लेते हैं इन कार्स के इंटीरियर्स के बारे में। तो ऐसे कुछ है यहाँ LXI वेरिएंट के इंटीरियर्स, यहाँ पर आपको पूरे हार्ड प्लास्टिक इसके डोर पैड पर पूरे दिए गए हैं। एंड अपर वेरिएंट्स के अंदर आपके यहाँ पूरी फैब्रिक फिनिशिंग मिल जाएगी, यहाँ पे आपको डोर हैंडल ब्लैक फिनिश मिलता है, नीचे आपको स्पीकर की जगह मिल जाती है बट स्पीकर आपको यहाँ नहीं मिलता है। डैशबोर्ड लुक आप यहाँ पे इसका कंप्लीट देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको मिलता है। म्यूजिक सिस्टम आपको यहाँ नहीं दिया जा रहा है, मैनुअल IFM मिलता है, रूफ लाइट आपको यहाँ नहीं मिलती है, और मैनुअल AC आपको यहाँ दिया गया, एंड कुछ ऐसा आपको कंप्लीट ओवरऑल लुक यहाँ पे मिल जाता है। MID स्क्रीन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इस तरह की MID स्क्रीन मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेस्टर आप पूरा देख सकते हैं वाइट इल्यूमिनेशन के साथ है। स्टेयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप इस बेस वेरिएंट के अंदर स्टेयरिंग व्हील को सिर्फ टिल्ट वे में एडजस्ट कर पाएंगे, टेलीस्कोपिक ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। फ्रंट सीट का कंफर्ट आपको चारों के अंदर ही बिल्कुल सेम तरह का दिया गया, सेंटर का कंसोल आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इसमें मिल जाता है। बैक सीट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर नहीं किया जा रहा है, जो कि एक चीज आनी चाहिए थी, बाकी कुछ ऐसी ये सीट है। एंड रूफ लाइट आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही मिलेगी जो कि है सेंटर में। एंड अब बढ़ लेते हैं VXI वेरिएंट की तरफ। तो ये अब हमारा VXI वेरिएंट, एंड यहाँ पे आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा LXI वेरिएंट के कंपैरिजन में वो ये है कि आपको यहाँ पे फैब्रिक फिनिशिंग ऑफर की जा रही है, जो कि आपको LXI में नहीं मिलती थी। यहाँ पे आपको एक स्विच एक्स्ट्रा मिल जाता है इनको फोल्ड करने के लिए, बाकी यहाँ पे खाली स्पीकर की जगह नहीं, इसके अंदर एक स्पीकर भी है जो कि आपको LXI में नहीं मिल रहा है। सीट्स को आप यहाँ पे मैन्युअली ऊपर नीचे एडजस्ट कर पाएंगे, जो कि LXI वेरिएंट के अंदर मिसिंग है। फैब्रिक सीट्स आपको यहाँ इसमें ऑफर की जा रही है ब्लैक कलर के अंदर सेम LXI वेरिएंट की तरह। डैशबोर्ड लुक आपको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपके यहाँ दोनों कार्स के अंदर बिल्कुल सेम तरह का दिया गया। एंड स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो इसे आप यहाँ पे सिर्फ टिल्ट वे में एडजस्ट कर पाएंगे LXI वेरिएंट की तरह। टेलीस्कोपिक ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, नीचे आपको मीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे, एंड कुछ ऐसे आपके यहाँ पे इसमें टॉगल्स दिए गए। सेंटर में आपको यहाँ पे मिल जाता है एक 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आता है काफी सारे फीचर्स के साथ। इसके अंदर आपको यहाँ पे
AM/FM ब्लूटूथ USB एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले का ऑप्शन दिया गया। बाकी उसके नीचे आपके यहाँ AC कंट्रोल्स मिलता है, फिर आपको 12 वोल्ट्स का पावर सॉकेट, एक USB का पोर्ट आपको मिल जाएगा जो कि आपको LX वेरिएंट के अंदर नहीं मिलता है। गियरबॉक्स आपको यहाँ पे दोनों ही कार्स के अंदर सेम दिया गया, एंड ये वाला पार्ट भी आपको यहाँ पे दोनों ही कार्स के अंदर सेम मिल जाता है। बाकी और कोई भी मेजर डिफरेंस आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा VXI और LX वेरिएंट के अंदर। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ माइक इसमें जरूर से मिल जाता है। बैक की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल टाइप के इसमें हेडरेस्ट ऑफर किए जा रहे हैं जो कि LX वेरिएंट के अंदर मिसिंग थे। बाकी अब चलते हैं एक बारी ZXI वेरिएंट के अंदर, और अब मैं आ गया हूँ ZXI वेरिएंट के अंदर, एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले कलर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्लैक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन है। VXI और LXI के अंदर आपको ब्लैक कलर का ये वाला पूरा पार्ट इसमें मिलता था। बाकी डैशबोर्ड लुक आपको यहाँ पे इस कार में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। कीलेस एंट्री है तो पुश बटन स्टार्ट भी आपको यहाँ मिल जाता है जो कि VXI में आपको नहीं मिलता था। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे मेनली इसकी MID स्क्रीन के अंदर, जो कि आप यहाँ पर मेनली इसकी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्मार्ट MID स्क्रीन मिल जाती है, उसके अंदर आपको बेसिक मिलती थी। बाकी और ऐसा कुछ है कंप्लीट डैशबोर्ड। सेंटर में आपको यहाँ ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स अब दिए जा रहे हैं, एंड जो म्यूजिक सिस्टम है उसका पूरा इंटरफेस बिल्कुल डिफरेंट आपको मिलेगा इसका, और ZXI प्लस का आपको सेम मिलता है। VXI के अंदर आपको डिफरेंट सब पुराने टाइप वाला इसमें दिया गया। बाकी इसके अंदर आपको वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले दिया जा रहा है, एंड इसके अंदर आप कार के रिलेटेड भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ओवरऑल देख सकते हैं। ऑटो AC आपको यहाँ पर मिलता है, VXI में भी मिलता है, एंड और कोई भी मेजर डिफरेंस VXI और इसमें आपको नहीं मिलेगा, सिवाय इसके यहाँ पे आपको रूफ लाइट्स इसमें मिल जाती हैं जो कि VXI में नहीं थी। सनरूफ आपको यहाँ इसमें मिल जाती है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी यहाँ सनग्लास होल्डर आपको मिलता है, एंड कुछ इस तरह से आप इसके यहाँ पे सनरूफ ओपन कर पाएंगे। एंड और भी इसके बाद ओपन हो जाएगी थोड़ी सी, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ व्यू मिल जाएगा कम्प्लीट। इधर ओके सा है, बट व्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग अभी यहाँ पे हुआ है। बाकी और बात करें डिफरेंसेस की, तो यहाँ पर आपको ब्राउन कलर की फिनिशिंग पूरी मिल जाएगी जो कि आपको VXI के अंदर ब्लैक में मिलती है। रियर में आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो मिल रहे हैं VXI की तरह, बट सेंटर में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी अब ऑफर किया जा रहा है जो कि आपको LXI और VXI में नहीं मिलता है। रूफ लाइट एक आपको वहाँ पीछे की तरफ इस पर दी गई है, और दो आपको यहाँ आगे मिलती है, VXI के अंदर आपको यहाँ इस पर दी जाती थी। बाकी इसके अलावा ट्विटर्स अब आपको यहाँ पर इस कार में मिल जाएंगे, जिसके अंदर मतलब सही में ट्विटर्स है, खाली जगह नहीं है, इसके अंदर आपको ट्विटर्स मिल रहे हैं। बाकी क्रूज कंट्रोल भी इस कार के अंदर एड ऑन कर दिया गया है। एंड एडजस्टमेंट की बात करें तो इसे आप यहाँ पर सिर्फ टिल्ट वहीं में एडजस्ट कर पाएंगे। बाकी अब चल लेते हैं ZXI प्लस वेरियंट के अंदर। ZXI प्लस की अगर बात करते हैं तो सेम ही आपको यहाँ पर ZXI की तरह सिस्टम इसका देखने को मिलेगा, पूरा आपको सेम ये देखने को मिलता है। फैब्रिक फिनिशिंग आपको यहाँ दी गई है ब्राउन कलर में, जो कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सीट्स आपको यहाँ पर इस कार में कुछ ऐसी मिल जाती हैं, ZXI के अंदर भी सेम ही आपको यहाँ पे सेम इस तरह की सीट्स मिलती है। एडिशनल जो आपको यहाँ पे फीचर्स मिल रहे हैं वह सेफ्टी के अंदर, आपको यहाँ पे इस पर 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, पिलर पे आपको यहाँ मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ सीट के ऊपर भी आप एयरबैग की बैचिंग देख पा रहे हो। तो 6 एयरबैग्स आपको यहाँ ZXI प्लस वेरियंट में ऑफर किए जाएंगे। ZXI VXI LXI आपको इन तीनों में सिर्फ 2 ही एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं। बाकी सनरूफ की अगर बात करते हैं तो सनरूफ का साइज बिल्कुल सेम है। यहाँ पे एडिशनली HUD इसमें मिल जाएगी, जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं कार को स्टार्ट करने के बाद, कुछ ऐसे ही वर्क करती है। यहाँ पर आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन ओवरऑल शो हो जाती है, मतलब ड्राइविंग रिलेटेड जो जो आपको चाहिए होती है। यहाँ पे अभी स्टार्ट हो रही है, हेलो लिखा गया है, डोर मेरा ओपन है तो उसका इंडिकेशन आ रहा है, लो फ्यूल की आपको यहाँ पे वार्निंग मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको लेदर आप स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जा रहा है, एंड एडजस्टमेंट के अंदर आप इसे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों वेज में एडजस्ट कर सकते हैं। और ना यहाँ ZXI प्लस के अंदर आपको यहाँ एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल जाएगी, जो कि आपको और किसी भी वेरिएंट के अंदर इस कार में नहीं दी जाती। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एम्बिएंट लाइटिंग इसकी पूरी की पूरी। बाकी यहाँ पर आपको इसमें सभी कंट्रोल्स दिए गए हैं HUD के। व्यू कार्ड बटन आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 360 कैमरा अब आपको इस कार में ऑफर किया जाता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर। बाकी जैसे आप इस प्रेस करेंगे आपका 360 व्यू यहाँ पे पूरा शुरू हो जाएगा। इसके अंदर भी आपको यहाँ पे डिफरेंट व्यू एंगल्स मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड 9-inch स्क्रीन अब आपको यहाँ मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं। ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लोअर वेरियंट्स के अंदर आपको 7-inch की स्क्रीन मिला करती थी। उसके बाद यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRVM को ऐड कर दिया गया, जो कि आपको सिर्फ इसी वेरियंट के अंदर मिलेगा। ये वाला पूरा सेटअप बिल्कुल सेम है, सनरूफ बिल्कुल सेम है। इस साइड आपको सनशील्ड के अंदर टिकट होल्डर दिया गया, इस साइड आपको यहाँ पे लाइट के साथ वैनिटी मिरर मिलता है। ZXI के अंदर भी आपको लाइट मिलती है, VXI के अंदर आपको लाइट नहीं मिलती है। बाकी अगर बात करते हैं और डिफरेंस की, तो यहाँ पर आपको ZXI प्लस वेरिएंट के अंदर कूल क्लब बॉक्स ऑफर किया जा रहा है, जो कि आपको किसी भी और वेरिएंट के अंदर ऑफर नहीं किया जाता है। बैक सीट आपको यहाँ ZXI की तरह ही मिलेगी। सेंटर में आपको यहाँ आर्मरेस्ट मिल जाएगा, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपके यहाँ दिए ही गए हैं। बाकी रूफ लाइट यहाँ पे भी आपको पीछे की तरफ एक दी गई है, दो आपको यहाँ आगे मिलती है। VXI के अंदर और LXI के अंदर आपको यहाँ पर इसमें दी जाती है। एंड फिर आपके यहाँ पे इसमें आर्मरेस्ट भी इसमें ऑफर किया जा रहा है, जिसके आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। स्टोरेज स्पेस आपके यहाँ इस पर दी जा रही है, और आपके यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड भी इस वेरिएंट के अंदर मिल जाता है।
और आपको यहाँ पे इसमें ऑटो हेडलैम्प्स भी ऑफर किए जाते हैं जो कि आपको किसी भी और वेरिएंट के अंदर नहीं मिलने वाले हैं। बाकी इसके अलावा और कोई भी मेरे को यहाँ पे मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी एक बार मैं आपको यहाँ पे बैक सीट भी दिखा देता हूँ। तो चारों के अंदर ही ना आपको यहाँ पे रियर एसी वेंट्स ऑफर किए जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। नीचे आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स मिल रहे हैं यूएसबी टाइप सी, और उसके अंदर आपको भी ZXI के अंदर मिल जाता है 12 वॉट्स का पावर सॉकेट। VXI के और LXI के अंदर आपको यहाँ पे कोई भी चार्जिंग पोर्ट्स इनमें ऑफर नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ZXI का 12 वॉट्स का पावर सॉकेट यहाँ पर इसमें दिया गया है। एंड सीट्स यहाँ पे कुछ ऐसी हैं। और इन दो की अगर बात करें तो इन दो के अंदर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ आपको रियर एसी वेंट्स ही ऑफर किए जाते हैं। बाकी इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म।